विश्व पर्यटन नगरी खजुराहो के मंदिर अपने आप में ही एक प्रसिद्ध स्थल है। देश विदेश में खजुराहो के मंदिर ख्याति पा चुके हैं, लेकिन आज भी यहां पर कोई भी सुव्यवस्थित पार्किंग की व्यवस्था नहीं की गई है। इन दिनों छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम में मंगलवार और शनिवार को लाखों की तादाद में भक्त पहुंचते हैं, जिस कारण खजुराहो स्थल बागेश्वर से नजदीक होने के कारण यहां पर हजारों की तादाद में भक्तगण खजुराहो के मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं। लेकिन यहां पर सुव्यवस्थित पार्किंग व्यवस्था न होने के कारण यहां के विदेशी पर्यटकों के साथ स्थानीय लोगों और भक्तगणों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी को लेकर मीडिया के माध्यम से मतंगेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी और भक्तगणों से बात की गई तो उनके द्वारा कहा गया कि कहीं ना कहीं मंगलवार और शनिवार को खजुराहो के मंदिरों में भीड़ देखी जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है बागेश्वर धाम से आने वाले भक्तगणों का। इसीलिए सभी का विचार है कि मतंगेश्वर महादेव मंदिर के समीप पार्किंग व्यवस्था को ना रखकर इसे कहीं ना कहीं और सुव्यवस्थित स्थान पर रखा जाए, ताकि आने वाले विदेशी पर्यटकों और स्थानीय लोगों साथ ही भक्तजनों को आवागमन में समस्या ना हो और आसानी से खजुराहो के मंदिरों को घूमा जा सके। मेरा आना पीठ माई की नगरी से हुआ है, दतिया से। अच्छा, वहाँ का मैं निवासी हूँ। तो खजुराहो पहली बार आना हुआ? खजुराहो मेरा पहली बार आना हुआ, बागेश्वर तो मैं लगभग चौथी बार आ चुका हूँ इस बार। तो कल आना हुआ होगा आपका बागेश्वर धाम? मैं सुबह 8:30 बजे आया, पहले मैं इलाहाबाद प्रयागराज गया था, उसके बाद मैं सीधा यहाँ के लिए प्रस्थान किया मैंने। अच्छा, तो आपने खजुराहो भ्रमण किया है, अभी मतंगेश्वर आए हैं? और केवल महादेव की शरण लिए, पहले मैंने मतंगेश्वर महादेव की शरण ली है, उसके बाद अब मैं दूसरे मंदिरों को देखूंगा। क्या है, पहले भगवान से शुरुआत करनी चाहिए दिन की। इसके बारे में यह है कि यहाँ जो पास में बागेश्वर धाम कहलाते हैं, इसलिए यहाँ हर शनिवार मंगलवार को लोग वहाँ पर दर्शन करने आते हैं बागेश्वर धाम। उसी के अनुसार यहाँ पास में खजुराहो होने के कारण यहाँ शिव की विशेष पूजा आराधना और अपने भारतवर्ष में विशेष मान्यता है, इसलिए वो लोग यहाँ की भी आशा लेकर के और यहाँ की आस्था लेकर के वो लोग पूजा करने यहाँ भी उतने ही लोग यहाँ पर आने जाने का विश्वास करते हैं और आते जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर लोग बढ़ते जा रहे हैं, आने जाने के लिए उनका बड़ा आशा बढ़ती जा रही है, इसलिए आने वाले समय पर कुछ उनके प्रति सहयोग और राशन का सहयोग और व्यवस्थाएँ होना चाहिए।